हाय एवरीवन, माय नेम इज हिमांशी कुमार, इंग्लिश फैकल्टी ऑफ ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे हमने क्लास सिक्स के क्लास सेवन के एनसीईआरटी इंग्लिश का सेशन चालू रखा था, तो उसे अभी स्टार्ट करेंगे। उसके आगे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये जो ये आपकी पीडीएफ है, पीडीएफ काफी छोटी छोटी आई वर्ड से इसमें तो एक विजिबल नहीं हो पा रहे आसानी से, तो उसके लिए प्लीज आप अपने अपने बुक को ओपन कर लीजिएगा पढ़ने के लिए इसको। मैंने भी अपना बुक को ओपन कर लिया है, बुक से ही मैं पढ़ाऊंगा आज, क्योंकि यहाँ विजिबल नहीं हो पा रहा अच्छे से। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन उससे कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो प्लीज आप अपना वो टेक्स्ट बुक को ओपन कर लो और मैं तो आपकी इस क्लास को चालू करता हूँ। तो आज का जो क्लास है, क्लास का नाम है गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश। ठीक है, तो गोपाल और हिल्स ऑफ फिश के बारे में पूरी स्टोरी है, और जैसे कि सब हर एक स्टोरी को पढ़ने से पहले हम कुछ उसके पहले कोर्स कंटेंट दिया हो तो उसे हम पढ़ना होता है बिफोर यू रीड। जैसे तो उसे हम पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कैसे क्या है। ठीक है, तो हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? अ कॉमिक बुक कंटेन ए स्टोरी टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। ठीक है, तो आपने अभी तक मतलब बहुत सारे कॉमिक्स बुक्स पढ़े होंगे, और ये जो आपकी ये है स्टोरी जो है, ये बिल्कुल कॉमिक्स बुक की तरह ही दी हुई है। कॉमिक्स बुक के पेज जैसे देते हैं छोटे छोटे कर करके, तो वैसे ही सेम उसी पैटर्न पे एक स्टोरी आपकी दी हुई है। तो वही राइटर जो है बोल रहे हैं आपने बहुत सारी कॉमिक्स बुक पढ़ी होंगी, और जो कॉमिक्स बुक का कंटेंट होता है वो ऐसे ही मतलब पिक्चर के थ्रू ही काफी स्टोरी आपको समझ में आ जाती है कॉमिक्स में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस स्टोरी को और चालू करते हैं। इट वाज द सेशन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नॉट नथिंग बट हिल्सा फिश। ठीक है, अब ये जो सेशन है हिल्सा फिश का सेशन चालू हो चुका था, और जो मछुआरे थे वो बस हिल्सा फिश के बारे में ही मतलब बातें करते थे, या फिर उसके चक्कर में ही रहते थे हमेशा कि उसे कैसे पकड़े, कैसे मारे, ये सब। उसके बाद क्या होता है, फिशरमैन सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टू हिम। ठीक है, तो ये जो फिशरमैन जो है आजकल के दिनों में बस हिल्सा फिश को ही बेच रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बेचते हैं, बस हिल्सा फिश को ही मछली मार के लाते हैं, ये जो भी उनका पानी वाला एरिया है और वहां से लाके बस हिल्सा फिश को ही बेचते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बेचते हैं। आजकल उसका सीजन आ चुका है तो उसका दाम भी थोड़ा डाउन हो चुका है। उसके बाद क्या होता है, हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, यू वुडंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। ठीक है, तो जितना भी घर वाले हैं वहां के रहने वाले हैं उस एरिया के, और सारे दिन रात मतलब हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते हैं कि हिल्सा फिश को ऐसे लाऊंगा, मतलब इतना खरीद के लाया हूँ, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे खाऊंगा, मतलब कि सारी बातें उसी से रिलेटेड हो रही हैं। और एक लेडीज गई है जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है हिल्सा फिश के लिए, और उन्होंने पूछा है कि ये हिल्सा फिश कैसे है, तो वो जो दुकानदार है, दुकानदार क्या बोलता है कि यू वुडंट बिलीव इट, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं जो इसका दाम बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सॉरी, एंड इन द प्लेस टू दी कॉर्डियर्स को डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश, और जो दरबार था दरबार में भी और बस हिल्सा फिश के बारे में ही बातें चल रही थी। राजा का जो दरबार था यहाँ दिख रहा है आपको, वहां ही बस हिल्सा फिश के बारे में ही बातें चल रही थी। योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वाज। ठीक है, तो किसी ने बोला कि मैजेस्टी महाराज आपको वो देखना चाहिए, वो हिल्सा देखना चाहिए, जो बड़ा सा हिल्सा जो मैंने पकड़ा था। तो राजा फिर क्या होते हैं देखिएगा, उसके बाद क्या होता है, राजा देखिए स्टॉप इट, गुस्सा करके चिल्ला के बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, आर यू ए कर्डायर ऑफ ऑफिसर मैन। ठीक है, और पूछते हैं कि तुम एक दरबारी हो या एक मछुआरे हो। दी कॉर्टियर फिल साइलेंट विथ, सॉरी यार दिख नहीं पा रहा है यहाँ, इससे बुक का देना पड़ता है। द कॉर्टियर फेल साइलेंट विथ डाउन कास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब राजा डाक के बोले तुम मछुआरे हो या दरबारी हो, दिन भर हिल्सा फेस करते रहते हो, उससे से रिलेटेड खाली बातें करते हो, तो उसके बाद ये सब राजा के डांटने के बाद दरबारी जो थे वो मतलब शांत हो गए, और मतलब सर सर मारे, मतलब राजा उनको डांट दिए थे, तो आंख को नीचे करके ऐसे खड़े होकर क्षमा मांगने लगे राजा से। राजा को काफी गिल्टी फील हो रहा था कि मैंने बहुत ही ज्यादा बोल दिया था। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज द सेशन फॉर हिल्सा फिश एंड
नो वन, ठीक है। तो उसके बाद राजा क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, ये क्या हुआ, मैं अपना टेम्पर को खो चुका था, खो दिया था, ये जो सेशन है, टाइम है, हिंसा फेस की बात की है, इसलिए इसकी बातें ज्यादा कल चल रही है आजकल। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फीस, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। मतलब कि गोपाल जो है, गोपाल भी कि किसी को वो मतलब 5 मिनट तक मतलब चुप नहीं करा सकता है कि वो लोग हिल्सा फीस के बारे में बातें नहीं करें। ओ आई थिंक आई कुड योर मजेस्टी। तो ये गोपाल क्या बोलता है, मैं कोशिश करूंगा मजेस्टी महाराज कि आपकी इसमें आपकी कुछ मदद कर सकूं, ठीक है, मैं इसमें कुछ कर सकूं। देन लेट मी सी यू बाय ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू दी पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो राजा उसके पास शर्त क्या रखते हैं कि ठीक है, जब तुम ऐसा कर सकते हो तो एक काम करो, तुम एक ह्यूज यानी बहुत बड़ा हिल्सा फिश खरीद के मार्केट से लाओ, और तुम्हें लाना है, और मेरे पास लाने तक रास्ते में तुम्हें किसी से मतलब कोई भी तुमसे हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे, तुम्हें ऐसा कुछ करना है, रास्ते से तुम मछली करके मेरे रूम मतलब दरबार में आ जाओ, तो उसके बाद भी मतलब कोई भी एक मतलब एक थोड़ा भी हिल्सा फिश के बारे में डिस्कस ना करे, बात ना करे, वैसा तुम कुछ करो। उसके बाद क्या होता है, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, व्हाई इज योर फेस हाफ सेम। तो उसकी जो पत्नी थी गोपाल की, उसको पूछी कि आपने अपना जो फेस है वो हाफ सेव क्यों किया है। आई एम सॉरी, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ फेस। तो वो गोपाल का है, गोपाल बोलता है मैं फेस खरीदने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूं। उसके बाद क्या होता है, व्हाट दी मैटर विथ यू, व्हाई आर यू स्मियरिंग योर सेल्फ विथ एस, आई आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ हिल्सा फेस। तो उसकी जो पत्नी होती है बोलती है आप ऐसे अपना हालत क्यों बनाया जा रहे हो, आप शेव किए हो, ऐसे ऐसे कपड़े पहन लिए हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो उसने भोपाल ने बोला मैंने तुमसे बोला तो था कि मैं हिल्सा फेस करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसलिए अपना हालत ऐसा बना लिया हूँ, मैं उसके लिए रेडी हो रहा हूँ, प्रिपेरेशन प्रिपेयर हो रहा हूँ उसके वहां जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लिसन लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दो डिसग्रेसफुल ड्रेस, वॉट आर यू अप टू। तो वो बोलती है उसकी पत्नी प्लीज आप ऐसा मत करो, ऐसा आप इस ड्रेस में ऐसा आप मार्केट में नहीं जा सकते, आप बहुत ही गंदे दिख रहे हैं, मतलब कोई भी हाफ शेव किया हो, अजीब तरह से कपड़ा पहन लिया बिना ढंग के, तो अजीब तो लगेगा ही, और वो भी दरबारी थे वो। उसके बाद क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाई अज हिल्सा फेस। ए औरत, मैं तुम्हें कितना बार समझाऊं, कितना बार बताऊं कि मैं एक हिल्सा पीस, बड़ा सा हिल्सा पीस खरीदने के लिए जा रहा हूं, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता। इट्स हैपनिंग टू हिम, ही इज गॉन एंड गोड मैड। तो उसके बाद बोलती है क्या, मतलब बहुत अजीब बात है, पागल आदमी नहीं मानेगा, ऐसे ही जाएगा ये। उसके बाद क्या होता है, गोपाल बॉट द हिल्सा पीस एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द पैलेस। तो गोपाल जो था एक बहुत ही बड़ा हिल्सा पीस को खरीदा और पैलेस की तवाड़ था वो जाने लगा, लोगों के घरों के किनारे से वो बगल से जाने लगा। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। तो एक छोटा सा लड़का था अपनी मम्मी से बोलता है देखो ना मम्मी, वो कैसा आदमी जा रहा है, कितना अजीब है दिखने में वो, ही मस्ट बी अ मैड मैन, उस आई थिंक ही इज अ मिस्टिक, ठीक है। तो लोग उसके बारे में काफी सारी बातें करते हैं, देखिए यहाँ पे सब कोई बोलता है कोई पागल है, कोई बोलता है संकी है, ऐसा मतलब सब अपना अपना थॉट मां ला रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, वेन गोपाल रिच द कोर्ट, जब गोपाल था कोर्ट के पास में पहुंचा, दरबार के पास में पहुंचा, व्हाट डू यू वांट, आई वांट टू सी द किंग। तो जो वहां पे बाहर खड़े होते हैं दो सिपाही, सिपाही गोपाल से पूछते हैं क्या चाहिए तुम्हें, क्या 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 कर रहे यहाँ आए हो। तो कोई उसको एक्चुअली पहचान नहीं पाता है, उसका ड्रेस पूरा चेंज रहता है, हाफ शेप किए हुए, वैसे भिखारी ऐसे कपड़े पहने हुए, अजीब तरह से उल्टा पुल्टा, और हाथ में हिल्सा फिस लटकाए हुए। तो ये क्या बोलता है गोपाल की मुझे राजा से मिलना है, राजा को देखना है। उसके बाद सिपाही क्या बोलते हैं, यू कांट सी द किंग, आई गेट अवे विथ यू, ठीक है, तुम मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो, नहीं देख सकते हो राजा को। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। उसके बाद क्या हुआ, ये सब करने के बाद बहुत लोग रोकथाम कर रहे हैं सिपाही लोग, तो
गोपाल कहते हैं वहीं पे गाने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, नाचने लगा वहीं पे सामने ही। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है। Inside the palace, the man is crying crazy. Throw him out at once. I want to see see the king. Let me in. ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है वो? Inside पहले अंदर से प्लेस से आवाज आई क्या कि the man is crazy, यानी पागल हो गया है। Throw him out at once. इसे यहाँ से निकाल के बाहर फेंको। I want to see the king. Let me in. और वो क्या बोलता है? नहीं, मुझे राजा को देखना है, मैं राजा को देखे मैं नहीं जाऊंगा। Bring that man to me at once. उसके बाद राजा क्या बोलता है? ठीक है, उस आदमी को एक थोड़ी देर के लिए मेरे पास लेके आओ। Yes, your majesty. उसके बाद सिपाही बोलता है, ठीक है majesty, मैं लेके आता हूँ उसको। गोपाल वाज ब्रॉट बिफोर द किंग, इट्स गोपाल। ठीक है, जैसे ही गोपाल वहां अंदर गया तो आते ही वो राजा से उससे पहचान गया। बोलते अरे ये तो गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। ठीक है, ये आदमी अपना मतलब माइंड में मतलब ऐसे खो नहीं सकता, ये पागल नहीं हो सकते, वास्तव में ऐसा कुछ है कि लगता है ये अपना कोई जोक, इसका जोक है कोई, वो हमेशा जोक्स करते रहता था, उसे ऐसा ही कुछ इसका जोक्स है। उसके बाद क्या होता है? ऑल राइट गोपालो, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिक्शन रिडिकुलस फैशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? राजा थे उससे पूछते हैं, क्या हुआ गोपाल, ऐसी अपनी हाउस क्यों बना रखी है, क्यों ऐसे अजीबो गरीब कपड़े पहन के घूम रहे हो। उसके बाद क्या गोपाल क्या बोलता है? योर मजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। मजेस्टी आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग, मैं क्या भूल रहा हूँ, राजा ऐसा बोला। उसके बाद क्या होता है? स्ट्रगली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा हेज टूडे, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फेस। तो देखिए महाराज, जैसे कि मैंने आपसे आपने मुझसे बोला था, मैंने ऐसा करके दिखाया कि आप ही ने तो बोला था कि आपको मार्केट से एक हिल्सा बड़ी सी हिल्सा फेस खरीद के लानी है, और यहाँ पैलेस तक मेरे कोर्ट तक आने तक वो हिल्सा फेस के बारे में कोई बात ना करे, ऐसा कुछ करना है। तो देखिए महाराज, अभी तक मैं पूरे मार्केट से घूम के आ गया, मार्केट से हिल्सा फेस लेके आ गया और आपके दरबार में आ गया और आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस हिल्सा फेस के बारे में नोटिस नहीं किया, किसी ने भी इसके बारे में बात नहीं किया। उसके बाद क्या था? ओनली देन उसके बाद क्या हुआ? ओनली देन डिड द किंग रिमेम्बर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तब जाके राजा को अपना वो चैलेंज याद आया जो कि उसने गोपाल को दिया था। हा हा वेल गोपाल, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? राजा जोर जोर से हंसने लगे, बोले कि गोपाल तुमने फिर से एक वो काम करके दिखाया कि जो किसी ने नहीं किया, और काफी जोर जोर से राजा हंसने लगे। तो ये काफी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइप से था, कॉमिक्स का छोटा सा पार्ट था, जिसे आपको कॉमिक्स की तरह पढ़ने में मजा भी आया होगा। अब यहाँ कुछ वर्कआउट है, तो जैसे कि मैं आपको हर एक क्लास के बाद बोलता हूँ, आपको वर्कआउट खुद से करना है, जिससे कि आपका माइंड डेवलप होगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और आपको इसके बाद कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर मुझे इस क्वेश्चन से प्रॉब्लम है, इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्क्राइब करूंगा, समझाऊंगा आपको। तो फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। अभी के लिए बाय, सी यू।